जब सदगुरु यीशु जमीन पर बैठल रहले तो एगो कहानी सुनवले। एगो जवान अपना पिता से कहलस कि संपत्ति में से हमार हिस्सा हमके दे द। उ जवान दूर देश चल गईल और उ आपन पैसा गलत काम में उड़ा देलस। जब ओकर सब कुछ खर्च हो गईल तब सबसे नीच मजदूरी करे के चुनलस, सुअर चरावल। एक दिन उ होश में आयल। उ सोचलस कि हमरा पिताजी के पास कितना मजदूरन के भर पेट खाए के भोजन बा और हम इहवा भूखा मर रहल बानी। हम अपना पिताजी के पास वापस जाइब और कहब कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी। हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं थी। कृपया हमके अपन एगो मजदूर के रूप में रख ली। तब वो उठ के अपना पिता के पास गईल। लेकिन जब वो बहुत दूर ही रहे ओकर पिता ओके देखलन और दया से भर गईलन। वो अपना बेटा के पास दौड़लन और ओके गले लगौलन और ओके चुमलन। बेटा अपना पिताजी से कहलन कि पिताजी, हम स्वर्ग और आपके विरुद्ध पाप कैले बानी। हम अब आपके बेटा कहलाए के योग्य नहीं थी। लेकिन पिता अपना नौकरन से कहलन, जल्दी से सबसे अच्छा कपड़ा लिया के एके पहनावा जा। ओकरा अंगुरी में एगो अंगूठी पहनावा और पैर में चप्पल डाला जा। आवा जा, हम सब मिल के दावत करी जा और खुशी मनाई जा। कहे कि हमार ई बेटा खो गईल रहे और अब ई मिल गईल बा। हमनियों के ए जवान बेटा के जैसे बानी जा। हमनियों के पाप कैले बानी जा और पिता परमात्मा से दूर हो गईल बानी जा। लेकिन ए बेटा के जैसे हमनियों के परमात्मा के पास वापस आ सकेले। हमनी के अपना पाप खातिर क्षमा मांगे के चाही और परमात्मा के पास वापस आवे के चाही। उ चाहेलन कि हमनी के उनका बेटा के जैसे रही जाए। सदगुरु यीशु कहलन कि मार्ग, सत्य और जीवन हम ही हैं। बिना हमरा केहू परमात्मा के पास नहीं खे जा सकत। का आप लोग चाहत बानी कि सदगुरु यीशु आप सबके परमात्मा के पास वापस ले चली?